चलो शुक्र है यार, सिगरेट तो मिल गई एक। यार साहब बात सुन, सन तो पैसे सिगरेट पी रहा है तूने, कब से दोबारा से शुरू कर दी सिगरेट पीना, अच्छी खासी छोड़ दी थी ना तूने। बैठ तो जा, मैं बताता हूँ, एक दफा बैठ तो इधर आ। तो नहीं बैठना है मुझे, बस तू मेरी बात का जवाब दे मुझे। बैठना तू, मैं बता रहा हूँ ना, बैठ तू। हाँ बोल। तुझे तो पता मैंने छोड़ ी दी थी सिगरेट, लेकिन यार मुझे बहुत गंदी आदत लग गई है सबकी ना, मैं दिल करता रहता बार बार पीने का, इसलिए मैं छुप छुप के पीना शुरू कर दी ताकि किसी को पता ना चले मैं सिगरेट पीता हूँ। तो तुझे क्या लगता है, तू ये छुप छुप के सिगरेट पिएगा और हम लोग को पता नहीं चलेगा? और चल अगर मान ले हमें पता नहीं भी चला तो कब तक पिएगा ऐसे छुप छुप के सिगरेट? एक दिन तू यही सब कुछ करके मर जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ बैठ के अफसोस मना रहे होंगे। फिर कम से कम अपना तो सोच, अगर हमारा नहीं सोच रहा। हाँ यार मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, तू ठीक कह रहा है, लेकिन यार एक दफ़ा तो खुद को मेरी जगह रख के सोच यार, मेरे लिए छोड़ना बहुत मुश्किल है यार। अच्छा तू मुझे एक चीज़ बता कि तू दिन की कितनी पीता है? यार दिन की कम से कम एक दो। एक दो दिन की सिगरेट? नहीं बे, दिन के एक दो पैकेट आराम से। तेरा दिमाग तो ठीक है, दिन के एक दो पैकेट तुझे पता है कितने नुकसान नहीं है? पहले मुझे लगा दिन की ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 सिगरेट पीता हुआ, लेकिन दिन के एक दो पैकेट पी आता है। पर पैसे कहाँ से आते तेरे पास? जॉब पे तो कोई कुछ करता नहीं, पॉकेट मनी मिलती है उसी से कर ले, तो चोरी वोरी तो नहीं करता ना बाकियों की तरह। शुक्र है अभी तक उस चीज़ की नौबत भी नहीं आई। और अभी तक अगर चोरी की नौबत नहीं आई तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आगे भी नहीं आएगी। वैसे तो जॉब कुछ करता नहीं है, और कब तक घर वालों के पैसे भेजिएगा? कभी ना कभी तो आगे जाके जॉब करनी होगी ना तुझे, और पता नहीं कैसे करेगा तू जॉब, काम करनी ही तो वैसे तुझ में हिम्मत नहीं है। देख यार तू मुझे इधर समझाने बैठा है या डराने बैठा है? ऐसे ही समझेगा तू, जब तक मैं तुझे ऐसे डराऊंगा नहीं ना तब तक तू समझेगा नहीं। बल्कि तू कहाँ समझेगा, तूने अपने बाप की नहीं सुनी, मेरी ही सुनेगा तू। खैर भाई तुम्हें जो करना है कर, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। यार रुकना है यार 2 मिनट, चल सुन रहा हूँ मैं तेरी क्या बोल रहा है तू। देख हुसैन मैं तुझे आखिरी दफ़ा समझा रहा हूँ, मेरी बात सुन। सबसे पहले तो जाके अपने घर वालों को इस सिगरेट की सारी बात सब कुछ सच बता दे कि तुम्हें दोबारा से पीना शुरू कर दिया। भैया पागल वागल हो गया, मेरा बाप मेरे को जान से मार देगा। लेंगे तेरी यार, लेकिन अगर तू ये बात छुपा के रखेगा ना और फिर बाद में उनको पता चल जाएगा कि तूने दोबारा सिगरेट पीना शुरू कर दिया, फिर तेरी जान ले लेंगे। तू एक काम कर, सबसे पहले तेरे जितने भी दोस्त हैं सिगरेट पीने वाले उनसे बात ख़त्म कर अपनी, और एक हफ्ते के लिए अपने आप को घर में बंद कर दे, और उस एक हफ्ते में घर से बाहर मत निकली, क्योंकि अगर तू घर से बाहर निकला तो फिर तेरा सिगरेट पीना मस्ट है। उस एक हफ्ते में तुझे तलब तो बहुत होगी, लेकिन जैसे ही वो एक हफ्ता ख़त्म होगा तेरी तलब ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? और फिर उन दोस्तों से दोबारा कभी, ठीक है? तो अब जा, सबसे पहले अपने बाप को जाके सब कुछ सच से बता। चल ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन तू भी मेरे साथ आ भाई, वरना मैं नहीं जा रहा। अच्छा आ जा चल।